हेलो डियर किड्स टुडे वी विल लर्न लाइनिंग्स वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ लाइनिंग्स देखो बच्चों जब तक हम लाइन्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे कुछ भी बड़ा नहीं लिख सकते सो दैट्स वाई वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ लाइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द स्टैंडिंग लाइन दीज आर स्टैंडिंग लाइन वी आर रिक्वेस्टिंग टू आर पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को इसी तरह की एक वर्कशीट बनाकर लिखने को दें ताकि बच्चे इसके ऊपर ओवर राइट करेंगे और पेंसिल से डाक डाक लिखेंगे और लिखना भी सीख जाएंगे सो स्पीक नाओ स्पीक विद मी दिस इज स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन नाओ दिस वन इज़ एंड स्टैंडिंग लाइन से सबसे पहले बच्चों देखो हमने क्या बना दिया दिस इज अट जो इस तरीके दो स्टैंडिंग लाइन से मिलकर बना नाव स्लिपिंग लाइन दिस इज अपिंग लाइन स्लिपिंग लाइन जो लाइन नीनी कर रही है स्लिपिंग कर रही है सो दिस इज स्लिपिंग लाइन एंड नाव स्लिपिंग लाइन में ये देखो ये कलर भी स्लिपिंग लाइन कर रहा है स्लिपिंग लाइन से कलर बन गया नाव दिस वन इज स्लॉटिंग लाइन जो टेढ़ी रेखा होती है उसको हम स्लांटिंग लाइन बोलते हैं और स्लैंटिंग लाइन मिलाने के बाद हमारी क्या बन गई के फॉर काइट नाउ अगेन स्लॉटिंग लाइन स्लॉटिंग लाइन दूसरी डायरेक्शन में स्लांटिंग लाइन अगेन वील मेक द काइट एंड दिस वन इज हाफ कर्व सी भी कह सकते हैं आप इसको बट दिस इज हाफ कर्व हाफ कर्व समझते हैं ना ये देखो ऐसे करके हाफ आधा कर्व बन गया ये कर्व बन गया हाफ दिस इज कर्व कर्व में हमने क्या बनाया कर्व से एक कैट बना दी नाव अगेन द अनदर डायरेक्शन द कर्व कर्व इन अनदर डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में हमारा कर्व बन गया एंड वी हैव मेक ओवर हेयर कर्व की हेल्प से हमने एक फिश भी बना ली ये देखिए सो नाओ सर्कल वाह भाई वाह कौन बच्चा सर्कल कैन मेक एवरी वन कैन मेक एक छोटी छोटी बॉल भी बन जाएगी इससे मून भी बन जाएगा और ऑरेंज भी बन जाएगा सो नाओ वी विल डू प्रैक्टिस विद द लाइनिंग्स एल टी वी